नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 4 दिवसीय ग्वालियर चंबल अंचल के प्रवास पर पहुंचे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सिंधिया समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने हाल ही में हुए उपचुनाव और बीजेपी की जीत पर कहा कि यह अभूतपूर्व जीत है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को दिल की गहराई से सिंधिया से धन्यवाद है। उनका कहना है कि शासन और प्रशासन के साथ ही मोदी जी की नीतियों को जनता ने सम्मानित किया है। 80% सीट किसी भी गठबंधन को नहीं मिली है, वह इस बार महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में मिली है। इस विश्वास पर हम खरे भी उतरेंगे। मेरा 4 दिन का प्रवास है और पूरे संभाग का प्रवास है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, समूचे क्षेत्र का प्रवास है। जो अभूतपूर्व जीत प्रधानमंत्री जी के विश्वास में पहले हरियाणा की जनता, अब महाराष्ट्र की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी का परचम, प्रधानमंत्री जी का परचम, विश्वास का परचम लहराया है। महाराष्ट्र की जनता को दिल के गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और वही जो विश्वास महाराष्ट्र की जनता ने जताया है हमारे शासन के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, उस पर पूरी तरह से हम लोग खड़े उतरेंगे। जो इतिहास महाराष्ट्र की जनता ने रचा है, कभी भी 288 सीट में से 80% सीट कभी भी किसी गठबंधन को नहीं मिली, जो इस बार महायुति गठबंधन को मिली, और उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे। इस बात का संकल्प लेकर हम लोग आगे चलते हैं। जीतो तो ठीक, न जीतो तो किसी के ऊपर, किसी और के सिर पर मटका फोड़ो, ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचान नहीं चाहते, जो लोग अपनी खामियां को देखना नहीं चाहते, उन्हें कौन मदद कर सकता है? बहुत बड़ी नहीं, अभी सौगात नहीं, अभी सर्वे चल रही है। मेरी आदत है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। बहुत बड़ी एक मांग थी पिपरई और चंदेरी के बीच में ललितपुर तक रेलवे लाइन की। मैं दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने सर्वे की स्वीकृति दे दी है, और सर्वे के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। पर ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो पिछले 50 वर्षों से यह मांग उठ रही थी, आज उस मांग को पूरी करने की शुरुआत का एक तारतम्य शुरू हुआ है। तो सर्वे के लिए अब हम लोगों को इंतज़ार करना है। हाँ, देखिए, विपक्ष की यही बात है कि प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। जिनकी सोच स्वयं सकारात्मक न हो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश को आगे बढ़ा रही है। अभी मैं यूरोप से भी होके हुए आ रहा हूँ, जहाँ जर्मनी के लोग, बाकी देशों के लोग प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की प्रशंसा चारों ओर विश्व में की जा रही है। लेकिन प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने में ही विपक्ष पूरी तरह से लगी हुई है, और उसमें भी एकता नहीं है। उसमें भी कई दल हैं जो चाहते हैं कि संसद चले, पर एक दल की हट है। हट के सामने जनता ने तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जवाब दे दिया। चलिए, बागेश्वर धाम की यात्रा सफलपूर्वक समापन हुआ है। मैंने कह दिया, चुनाव पे हार दिया, लोगों को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के ना जाने से ऐसा होगा। उसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है।
पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है, और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।